नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव और मैं हूं पिटोल संवाददाता भूपेंद्र सिंह नायक। आज हम इस कोरोना वायरस में जहां लॉकडाउन का 18वां-19वां दिन है, उस बीच में हम चलते हैं एक नई स्टोरी की ओर, जहां लोगों को लॉकडाउन की वजह से भोजन पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। वहीं झाबुआ प्रशासन ने इस ओर संज्ञान लिया और पिटोल हाईवे पर एक होटल को खुलवाई, जिसमें हम ड्राइवरों से पता करेंगे कि उन्हें कितने दिन में भोजन मिला है, वे कहां से कहां चल रहे हैं। वे गैस के टैंकर के ड्राइवर हैं जो एलपीजी इंडेन गैस को पहुंचाते हैं, जो दूसरों के घर का चूल्हा जलाते हैं एवं स्वयं भूखे रहकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से मिलते हैं और आपको एक रियलिटी चेक बताते हैं कि लॉकडाउन में वास्तव में इस अन्न और भोजन के लिए इनको कितनी तकलीफ हुई और इनके साथ क्या समस्या आई। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, महेंद्र सिंह नाम। आप कहाँ से कहाँ चलते हैं? जी सर, मैं पीलूघड़ी से आ रहा हूँ, पीलूघड़ी प्लांट से जी। वहाँ से चला हूँ भोपाल से जी। कल खाना खाया था मैंने प्लांट में, मैं जाऊँगा मुंद्रा। तो आपको भोजन कितने दिन बाद मिला? जी सर, आज मेरे को, मैं कल से चला था, 2 दिन हो गए, रास्ते में खाना नहीं मिल रहा है, बहुत समस्या हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये लोग गैस का चूल्हा जलवाने के लिए ये लोग लोगों के घर का चूल्हा जलवाते हैं और ख़ुद को 2-2 या 3-3 दिन में। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग ड्राइवर भाई साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। आप कहां से कहां चलते हैं? हम दहेज से भोपाल गए, भोपाल जा रहे हैं। आप गैस का टैंकर ही चलाते हैं? हाँ, गैस का टैंकर ही है। आपको भोजन कितने दिन में मिल रहा है? अब परसों दोपहर को खाया था, कंटीन में मिला था, कंटीन से फिर यहाँ तक आए गए हूँ, तो यहाँ भी खाना खा रहा हूँ। हम आपको बता रहे हैं कि पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ उसमें लोगों को 6-6 दिन तक भी भोजन नहीं मिला। वे कहीं सेव परमल या जो छोटे मोटे खाने के बिस्किट्स के पैकेट मिलते हैं उसके भरोसे चल रहे थे और आज इन लोगों को यहाँ भोजन मिला है। तो एक बड़ी विडंबना है कि लॉकडाउन में जो दूसरों के चूल्हा जलवा रहे हैं वो खुद भी भूखे हैं। आप देखते रहिए झाबुआ लाइव।